दोस्तों, आज भले हमें किसी भी ग्रह पर सैटेलाइट पहुंचाना आसान लग रहा हो, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब रूस ने अपना पहला मून मिशन लूना 1 को 1959 में चांद पर भेजा था। तब अमेरिका सहित कई देशों ने इसको मानने से इनकार कर दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, बस यही वो पल था जब दुनिया भर के देशों की निगाहें स्पेस की तरफ गईं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। दोस्तों, सन 60 के दशक में जब इसरो की स्थापना हुई, तब भारत के पास अपना खुद का कोई भी सैटेलाइट नहीं था और ना ही कोई रॉकेट। भारत ने रूस की मदद से अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च करवाया था, लेकिन दोस्तों, तब के भारत में और अब के भारत में बहुत फर्क है। तब भारत के पास खुद का कोई रॉकेट नहीं था, लेकिन अब भारत खुद दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करता है। दोस्तों, इसरो बराबर अपने नए नए मिशन लॉन्च करके दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में शामिल हो चुका है, जिसका जीता जागता सबूत है हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन सही सलामत चांद की ऑर्बिट में पहुँच गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इसरो केवल चांद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसरो चांद पर कदम बढ़ाने के बाद अब सूरज की ओर जाने की तैयारी कर चुका है और शायद आने वाले अगस्त महीने के अंत या सितंबर के शुरुआती दिनों में इसरो सूरज का अध्ययन करने वाले आदित्य 11 मिशन को लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सूरज के पास पहुंचने वाले इसरो के आदित्य 11 मिशन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 14 जुलाई 2023 को इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। मिशन के अंतर्गत 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर सकता है। दोस्तों, अब चांद पर कदम बढ़ाने के बाद इसरो सूरज की ओर जाने के लिए तैयार है। शायद आने वाले अगस्त महीने के अंत या सितंबर के शुरुआती दिनों में इसरो सूरज का अध्ययन करने वाले अपने सबसे चर्चित मिशन आदित्य 11 मिशन को भी लॉन्च कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सूर्य को भारत में आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसी वजह से इस मिशन को आदित्य 11 नाम दिया गया है। क्या काम करेगा आदित्य 11? दोस्तों, इसरो का आदित्य 11 मिशन लॉन्च होने के बाद सूर्य में छुपी हुई कई नई संभावनाओं की तलाश करेगा। बता दूं कि हमारा सूर्य 4.5 बिलियन साल पुराना तारा है। सूरज हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। हमारा सूर्य ही इस सौर परिवार का मुखिया माना जाता है और इसी के गुरुत्वाकर्षण ने सभी ग्रहों को एक परिक्रमा पथ पर बांध रखा है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश धरती पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मान के चलिए कि सूरज के बगैर धरती पर जीवन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव जंतु सूर्य की ऊर्जा से ही चलता है। दोस्तों, इंसानी सभ्यता की शुरुआत के साथ ही सूर्य को लेकर हमारे मन में जिज्ञासा सदा से रही है। आसमान में धधकते इस गोले को देखकर अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर इसके भीतर इतनी ऊर्जा आती कहां से है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में जानकर हैरानी होगी कि बहुत सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया सूर्य खुद ही अपनी ऊर्जा का स्रोत है, यानी इसके अंदर से जो ऊर्जा बाहर निकलती है सूरज उसको खुद ही बनाता है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। यह स्थिति सूर्य के भीतर होने वाले अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से जन्म लेती है। दोस्तों, हमारा सूरज इतना बड़ा और विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह बड़ी आसानी से समा सकते हैं, और इतने बड़े तारे को जानने के लिए ही हम अपना आदित्य 11 मिशन लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सूरज के पास जाने वाला ये कोई पहला मिशन है। इससे पहले भी सूर्य के भीतर छिपे रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा द्वारा कई अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें सोहा और पार्कर सोलर प्रोब शामिल है। दोस्तों, नासा के इन मिशनों ने सूर्य से जुड़े कई नए तत्वों को हमारे सामने लाने का काम किया है। इसके बावजूद अभी सूर्य में छुपी कई नई संभावनाओं को तलाशना बाकी है। इसी सिलसिले में इसरो अपने आदित्य 11 मिशन के अंतर्गत सूर्य पर कामयाबी पाने के लिए तैयार है। बता दूं कि इसरो इस मिशन के अंतर्गत सौर कोरोना का निरीक्षण करेगा। दोस्तों, हमारा सूरज हर 11 सालों में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बदलता है, इसी को सोलर साइकिल कहा जाता है। सोलर साइकिल की इस अवधि के दौरान जब सूर्य पर बड़े बड़े डार्क स्पॉट का निर्माण होता है, उस पीरियड को सोलर मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सोलर मैक्सिमम के समय में डार्क स्पॉट बनने की वजह से सूरज से बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इंजेक्शन और ऊर्जा का रिसाव अंतरिक्ष में होता है। और आदित्य 11 मिशन के अंतर्गत सूर्य से होने वाले इसी कोरोनल इंजेक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ऐसे में सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से पता लगाने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, आदित्य 11 मिशन को LMB-M3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत आदित्य 11 को 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1L1 के समीप होलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। आदित्य 11 में कई तरह के शानदार उपकरणों को लगाया गया है, जिसमें VELC सूट, ASPEX पापा, सोलेक्स हेल्टेन एस और मैग्नेटोमीटर शामिल है। इन उपकरणों का काम सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाले ऊर्जित कणों का विश्लेषण करना होगा। इस विश्लेषण के माध्यम से इसरो का आदित्य मिशन यह पता लगाएगा कि ये कण कैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं। मिशन आदित्य 11
हर समय सूर्य की इमेजिंग करेगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वह सूर्य के प्रकाश मंडल क्रोमोस्फीयर का भी अध्ययन करेगा। दोस्तों, इसरो के इन सारे मिशन से एक बात तो क्लियर है कि हमारा भारत स्पेस के क्षेत्र में महाशक्ति बनता जा रहा है, जिसको देखकर बहुत फख्र महसूस होता है। अगर आप भी भारत देश की इस कामयाबी से खुश है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।